अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी डेवलपिंग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ के चैप्टर वन का जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए, देयर आर टू पाइप्स इन ए वाटर रिजर्वियर ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल में बोल रहा है कि हमारे स्कूल में वाटर का रिजर्वियर, जो वाटर टैंक होते हैं, रिजर्वियर है जिसमें टू पाइप लगी हुई है। टू पाइप्स टुगेदर टेक 11 होल 1/9 मिनट्स टू फिल द रिजर्वर। बोला कि अगर दोनों पाइप एक साथ काम करें यानी एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 11 से 1/9 मिनट में वो पूरे रिजर्वर को भर देती है। इफ द टू पाइप्स आर ओपन सेपरेटली, अगर दोनों पाइप को अलग अलग टाइम पे खोला जाए, देन वन पाइप वुड टेक 5 मिनट्स मोर टाइम Than that of the other pipe. तो पहला पाइप को जितना समय लगेगा दूसरी पाइप को उससे 5 मिनट ज्यादा लगेगा टाइम। Let us write by calculating the time taken to fill the reservoir separately by each of the pipes. तो बताइए अलग अलग करके जो पाइप को, इसको पाइप को रिजर्वर को भरने में समय लगेगा कितना लगेगा वो निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट पाइप कैन फिल द रिजर्वर इन एक्स मिनट। एक्स मिनट में जो है वो फर्स्ट पाइप जो है वो रिजर्वर इन्वर्टर रिजर्वर जो पूरी तरह से कंप्लीट करके भर लेती है। तो एक आप उसी एंड द सेकेंड पाइप, सेकेंड पाइप को वही काम करने के लिए उसी रिजर्वर को भरने के लिए कितना समय लगता है, 5 मिनट, यानी x प्लस 5 मिनट। अब क्या करेंगे हम, इसको इस भाषा में लिख सकते हैं कि इन एक्स मिनट्स द फर्स्ट पाइप कैन फिल द वाटर, वाटर या रिजर्वर में वही कितना, एक पूरा टैंक को ही पूरा रिजर्वर में भर लेती है एक्स मिनट में फर्स्ट पाइप। तो इन वन मिनट, एक मिनट में वो फर्स्ट पाइप जो है कितनी भर सकती है, तो कम वन बटा कितना एक्स। इसी का अगेन, क्योंकि दूसरी पाइप भी है, अगेन दूसरी पाइप क्या करते हैं, इन एक्स प्लस फाइव मिनट्स द सेकेंड पाइप कैन फिल द वाटर। कितना, एक काम कंप्लीटली, एक काम है ना, एक टैंक है ना, तो एक लिखेंगे इन एक्स वन मिनट द सेकेंड पाइप कैन फिल द वाटर, तो कम हो जाएगा, तो 1/x+5। तो जब एक मिनट करके निकाले सबका, तो क्या कह रहा है कि बोथ पाइप कैन फिल द वाटर 11 होल 1/9। तो इसको हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, तो तोड़ देंगे तो 11 होल 100/9, यानी बोथ पाइप कैन फिल द वाटर रिजर्वर जो है वो इतना में 109 मिनट में वो कंप्लीट कर सकती है उस पूरे इसको रिजर्वर को, इतना मिनट वो कंप्लीटली भर सकती है उसको अगर दोनों एक साथ काम करें। बोथ पाइप कैन फिल द वाटर इन वन मिनट, तो क्या आ जाएगा, कम होगा, तो कम होने से 100/9। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/1 × ये डिवाइड का साइन को इंटू कर देंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो 9 × 9 = 100, इतना टाइम लगेगा उसको एक मिनट में भरने के लिए, एक मिनट। चलिए इसको बाय द कंडीशन में क्या करेगा कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना समय लगेगा, तो इसका आंसर मिलेंगे
इंटू एक्स प्लस फाइव, तो एक्स स्क्वायर से बचेगा एक्स प्लस फाइव, तो एक्स प्लस फाइव देखा एक्स प्लस फाइव प्लस का प्लस, फिर एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव कैंसिल, एक्स से कम एक्स इक्वल टू नाइन बाई हंड्रेड। फिर तो एक्स और एक्स को जोड़ देंगे तो टू एक्स प्लस फाइव, नीचे एक्स गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल टू नाइन बाई हंड्रेड। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे तो देखिए नाइन बाई एक्स गुणा एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नौ पाँच है पैंतालीस एक्स इक्वल टू एक सौ को दो सौ गुणा करेंगे तो दो सौ एक्स, दो सौ एक्स प्लस एक सौ पाँच है पाँच सौ, सब एक तरफ कर लेंगे तो नाइन नौ एक्स स्क्वायर प्लस पैंतालीस एक्स माइनस दो सौ एक्स और उसके बाद प्लस पाँच सौ, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस पाँच सौ इक्वल टू जीरो। और नाइन एक्स स्क्वायर यानी नौ एक्स स्क्वायर का नौ एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए 200 में, 200 में अगर 45 को घटा देते हैं तो 10 में 5 गया 5, 9 में 4 गया 5 एक 155 कितना, तो माइनस में 155 एक्स माइनस 500 इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलियन फैक्टर करेंगे, तो मिलियन फैक्टर करेंगे तो 9 का मिलियन फैक्टर किया जाए 9 का तो कितना है, तीन 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 नौ, फिर उसी तरीके से पाँच सौ का अगर हम लोग अलग से कर लें तो दो पाँच दो दूनी चार, दो पाँच दस, फिर दो एक दो दूनी चार, दो पाँच दस, ढाई पाँच से पाँच दस, पाँच बजे पच्चीस, पाँच बजे पच्चीस। अब इनमें से हमको कितना लेकर आना, एक सौ पचपन लेकर आना, तो किसको किसके साथ जोड़ें, किसके को किसके साथ घटाएं कि एक सौ पचपन आएगा, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो डियर इसको अगर हम लोग इस तरह से फैक्टर करें तो हम लोग का एक सौ पचपन आ जाता है, कैसे, तीन तीन नौ, नौ दुनिया अठारह, अठारह पाँच नब्बे, नब्बे दुनिया एक सौ अस्सी और पाँच पाँच पच्चीस, तो एक सौ अस्सी में अगर पच्चीस चला जाता है घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा एक सौ पचपन, तो एक सौ अस्सी को माइनस मिलेंगे और पच्चीस को प्लस मिलेंगे। एक्स नाइन एक्स स्क्वायर का नाइन एक्स स्क्वायर माइनस एक सौ अस्सी, सॉरी एक सौ अस्सी एक्स माइ प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस फाइव हंड्रेड इक्वल टू जीरो। अब इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेंगे तो क्या नाइन एक्स कॉमन ले लेंगे अगर तो एक्स माइनस अब कितना आप बैठाएंगे कि नौ से गुना किया जाए तो एक सौ अस्सी आएगा, तो नौ से एक सौ अस्सी ना तो नौ दुनिया अठारह बीस, यानी नौ दुनी अठारह जीरो का नौ जीरो जीरो तो बीस आएगा आपका ट्वेंटी प्लस यहाँ कितना पच्चीस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वन माइनस यहाँ बीस और पैसा गुना तो पाँच सौ होगा पच्चीस दिन पचास इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं कि दोनों सेम आया, दोनों में से एक को ले लेंगे तो बचा क्या नौ एक्स प्लस पच्चीस इक्वल टू जीरो। तो डेयर इसको हम लोग क्या करेंगे आइदर कर लेंगे, तो यहाँ क्या है एक्स माइनस ट्वेंटी और यहाँ लिखा हुआ नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव, ये इसको हम लोग आइदर कर लेंगे, इसको हम लोग आधार कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, डियर फोर एक्स इक्वल टू ट्वेंटी। नेक्स्ट क्या है कि अगेन अगेन नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो, डियर फोर नाइन एक्स का नाइन एक्स तो इधर माइनस हो जाएगा करके ट्वेंटी फाइव, एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइन। देखिए आंसर यहाँ प्लस में आएंगे, ये हम लोग बार बार इसको सीख के आए हैं कि जब भी कोई माइनस में कोई टर्म आ जाए उसको हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक्स केवल दो ही नहीं सकती है, यह क्या करेंगे इसको नॉट अलाउड कर देंगे, नॉट अलाउड। आंसर क्या आ गया एक्स इक्वल टू ट्वेंटी, यानी वो जो हम लोग माने थे कि फर्स्ट पाइप को उसको टोटल फर्स्ट पाइप अकेले में उस रिजर्वर को भरे तो उसको 20 मिनट टाइम लगेगा, और अगर वो सेकंड पाइप उसको 25 मिनट टाइम लगेगा, 5 मिनट ज़्यादा लेती है वो। तो डियर मैं उम्मीद करूँगा आपको ये मैं बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। पूर्णा एंड पीजीएस टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज, यहाँ डियर दो नाम दिया हुआ है, एक पूर्णा नाम दिया था एक पीजीएस नाम दिया हुआ है, अगर ये दोनों चार दिन में काम करें तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा, वो काम कितना है, तो हमेशा जब भी कोई काम के मामला है तो हम उसको एक मानेंगे,
इफ द वर्क सेपरेटली अगर वो लोग अलग अलग काम करें देन द टाइम टेकन बाय पूना वुड बी 6 days मोर देन द टाइम टेकन बाय पीजेश. लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन बाय पूना अलोन टू कंप्लीट द वर्क. तो बताइए कि पूना को अकेला काम करने में कितना समय लगेगा. अब पूना को जितना लगता है पीजेश को उससे 6 दिन ज़्यादा लगता है अगर अकेले में काम करें वो लोग एक एक करके आकर सेपरेटली काम करें. तो चलिए इसको हम लोग सेम इसी जो आप भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए एज सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी है. तो लेट मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 लेट क्या नाम है उसका लेट पूर्णा पूर्णा कैन कंप्लीट द वर्क कंप्लीट द वर्क इक्वल टू कितना टाइम लगा मान लो एक्स डे में. एक्स डे में वो क्या करेगा काम को वो कंप्लीटली वो कर सकते हैं. तो एंड क्या है पीजेश पीजेश जो है उसी काम को पीजेश कैन कंप्लीट द वर्क इसको टाइम लगेगा था 6 दिन ज्यादा 6 दिन इसको ज्यादा लगता है 6 डे. सेम इसी तरह से निकालेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को किए थे इन एक्स डेज पूर्णा कैन कंप्लीट द वर्क इक्वल टू काम क्या टोटल वन है एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं. तो इन वन डे एक दिन अगर पूर्णा काम करें तो कि काम का कितना हिस्सा वो कंप्लीट कर सकता है तो कम करेगा तो 1/x. सेम ये तो इसका हो गया पूर्णा का हो गया अगेन पीजेश का इन x प्लस 6 डे पीजेश कैन कंप्लीट द वर्क कितना काम एक ही है ना कंप्लीट टोटल काम एक है एक मानेंगे. तो इन वन डे पीजेश कैन कंप्लीट द वर्क कितना समय लग जाएगा कम लगेगा ये एक दिन में कम काम करेगा एक्स प्लस 6 बोथ क्या है अगर दोनों एक साथ काम करें तो इन फोर डेज बोथ कैन कंप्लीट द वर्क काम कितना है 1 उस काम को करने के लिए अगर दोनों मिलकर काम करें तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा. तो बताइए कि इन वन डे एक दिन अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम का कितना हिस्सा वो कंप्लीट कर सकता है तो ये कम हो जाएगा काम करेगा काम एक दिन में तो 1/4. तो डेली आपका जो क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग वन डे का निकाल दिए. तो चलिए अगर दोनों मिलकर काम करें तो इतना समय लगता है 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा तो सेपरेटली अगर काम करे तो कितना अलग अलग करके उसको टाइम लगेगा. चलिए इसका बाधा कंडीशन करके देखते हैं. बाधा कंडीशन में डियर देखिए कि ये भी वन डे का है एक दिन का काम ये भी है ये आपका पूर्णा का हो गया और ये पीजेश का हो गया एक दिन का. तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना हिस्सा काम करेगा 1/4 तो दोनों बराबर है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो एक्स इंटू एक्स प्लस 6 ये एलसीएम हो गया तो एक्स कैंसिल एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6 कैंसिल एक्स का मैक्स इक्वल टू 1/4. तो यहाँ क्या करेंगे 2x हो जाएगा 2x प्लस 6 बटा xx एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/4. अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का मैक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 6 यहाँ स्क्वायर हाँ एक्स स्क्वायर मैक्स स्क्वायर हो गया 6x 4×8x प्लस 6×24 सॉरी सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आप देखिएगा जो 8 में 6 चला जाए तो माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0. अभी अगर इसका हम लोग तोड़ दें इसको 24 को तो कितना होगा 24 को अगर हम लोग तोड़ दें तो 2 12 24 2 6 12 2 3 6 हमको लाना कितना है 2 तो 3 2 6 2 2 4 तो माइनस 6 प्लस 4 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा.
तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे इसको, तो x कॉमन आ जाएगा, चलिए इसको हम लोग साइड में ले लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 6 चौक 24 इक्वल टू 0। दो ये दो सेम आ गया, x माइनस 6 इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। आइडर कर देंगे, आइडर x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 6। अगेन अगेन x प्लस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 4। देखिए माइनस से तो लेके नहीं, क्योंकि जब भी हम क्या पूर्णांक का जो मानते हैं कि x डे में वो कंप्लीट कर लेता है, तो वो 6 दिन में अकेला काम करता है, वो कंप्लीट कर लेगा 6 दिन में। तो ये 4 जो है माइनस में नॉट अलाउड। तो डियर आंसर निकल के तैयार हो गया, इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए और मैं उम्मीद करूँ कि आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डियर, इफ द प्राइस ऑफ वन डजन पेन इज रिड्यूस्ड बाय 6, देन 3 मोर पेन्स विल बी गॉट फॉर 30 रुपीज। बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राइस लेट अस कैलकुलेट प्राइस वन डजन पेन। यह काफी इंटरेस्टिंग मैथ है। कह रहा है कि एक डजन कलम की कीमत क्या है पता नहीं, मतलब उसमें अगर 6 रुपया घटा दिया जाए तो 3 कलम ज्यादा मिल रहा, और वो खरीदने कितना रुपये में गए थे, 30 रुपये। तो 30 रुपीज में वो पहले वो जो है जब 30 रुपये में खरीदने गए तो बोला है कि वो कितना कलम पाया था, और जब 6 रुपया से कम कर दिया गया उस डजन में, लेकिन उस 30 रुपीज को खरीदा, यानी कि पैसा वो कम कर दिया तो वो पेन कम ले लिया है या उतना ही लिया, नहीं वो बोला कि ठीक है मुझे 30 रुपीज जितना पेन मिलता है मुझे दे दीजिए। तो बोला कि बताइए कि पहले उसको कितना मिला था और बाद में कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो एक डजन का जो पेन की कीमत है वो तो पता नहीं, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लेट द प्राइस ऑफ वन डजन पेन बी इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि उस एक डजन पेन की कीमत जो है वो एक्स है, तो आफ्टर रिडक्शन प्राइस ऑफ वन डजन पेन बी इक्वल टू कितना जाएगा, कम कितना क्या है, एक डजन पेन की कीमत का कम हो गया है 6 रुपया, एक्स माइनस 6, 6 रुपये क्या क्या है वो कम लिया है। तो जब वो 6 रुपये कम लिया तो सेम इधर लिखेंगे, जैसे हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 7 बनाए, तो लिखेंगे इन रुपीज x वी गॉट पेन्स इक्वल टू कितना पाते हैं हम लोग x रुपया में, वन डजन यानी 12 पेन्स। तो इन यहां जो है ये 1 रुपीज में सेम वही जो रूल ऑफ 3 है, इसमें कोई नई नई बात है नहीं। तो क्या है 12 रुपया पाएंगे टोटल रुपया में 30 रुपया में, तो इन 30 रुपीज वी गॉट कितना रुपया, 30 रुपया में कितना पेन पाएगा, जब पेन की कीमत 1 रुपया थी तो ज्यादा अभी 12 × 30/x, तो कितना आएगा 12 × 36 360/x। 30 रुपया में उसको कलम मिलेगा इतना, 30 रुपया में कब मिलेगा, जब कलम की कीमत 100 रुपीज थी तब की बात है। जब उसने 6 रुपया कम कर दिया डोजन में तब क्या हुआ, अगेन करेंगे उसका भी निकालेंगे जो आफ्टर में, आफ्टर जो क्या रिडक्शन था, तो इन रुपीज x माइनस 6 वी गॉट
पेंस इक्वल टू 12 पेंस, तो एक में कितना होगा, इन रुपीज वन वी गॉट पेंस 12 बटे एक्स माइनस 6, तो रुपीज कितना है मेरे पास 30, तो 30 रुपया में कितना मिलेगा, तो 12 × 30 बटे एक्स माइनस 6 गुना 12 36 360 एक्स माइनस 6। तो डियर इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन कर लेंगे इसका आंसर आराम से। तो डियर वीडियो लंबी हो रही थी जिसे मैं पॉज करके इसका मिलियन फैक्टर मैंने करा दिया, तो अब मिलियन फैक्टर को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ओरिजिनल में क्या मैथ की कंसेप्ट है कि मैथ को हम समझे कैसे, तो जैसे मैंने इसमें क्या किया 360 को कॉमन ले लिया, लेकर के 1 बटे x - 6 1 बटे x, इसको हम लोग एलसीएम करके जैसे मिलियन फैक्टर करते हैं बहुत आसानी से आराम से आ गया। तो डियर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।